नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। मेडिकल में फर्जी डॉक्टर का मामला उजागर, मरीजों से फर्जी डॉक्टर के नाम पर लूट। पेंडेमिक एक्ट का उल्लंघन करने पर कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज, सीतामढ़ी पुलिस में दर्ज हुए मामले। और नागपुर के अंबाजरी पुलिस ने चोरी करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में एक और फर्जी डॉक्टर का मामला उजागर हुआ है। कैंसर वार्ड के एक मरीज से फर्जी डॉक्टर ने 12,000 मांगने की जानकारी सामने आई है। कुछ दिनों पहले भी नागपुर के मेडिकल अस्पताल में खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहे एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मंगलवार को फिर मेडिकल अस्पताल से फर्जी डॉक्टर द्वारा मरीज के साथ धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई है। मेडिकल वैद्य के अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने बताया कि बीते कुछ दिनों से फर्जी डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर बनकर काम कर रहा है, लेकिन इसकी किसी को कुछ खबर तक नहीं थी। वहीं कैंसर वार्ड में एक मरीज से 12,000 रुपये मांगने पर यह मामला सामने आया, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई, लेकिन संबंधित मरीज द्वारा शिकायत करने के लिए तैयार ना रहने पर मामला दर्ज नहीं किया गया। तो डॉक्टर, आमच्याकडे एक कैंसर वार्ड मध्ये पेशंट ऍडमिट आहे आणि त्यांची वाइफ या माणसाच्या संपर्कात आली आणि हे जे पेशंट आणि त्यांची वाइफ आहे त्यांचे एका व्यक्तीशी ओळखीचे संबंध होते आणि त्याचा हा लहान भाऊ आहे, त्याच्या थ्रू त्याची ओळख झाली। त्यांनी हे सांगितलं की आम्ही इथे डॉक्टर असल्यामुळे तुमचं काम करून देऊ। त्यांनी मला वाटतं 12,000 रुपये त्यांच्याकडनं घेतले होते। आमच्या इथल्या सिक्युरिटीने त्याला पकडल्याच्या नंतर त्याची पूर्ण चौकशी झाली आणि त्यांनी सगळं कबूल केलं आणि ते 12,000 रुपये त्यांनी त्या पेशंटचे वापस केले। तो सांगत आहे की मागच्या 15 दिवसापासूनच आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे, पण तो कदाचित आणखी काही दिवसापासून असेल तेव्हापासून त्याला इथल्या सगळ्या गोष्टी माहीत झालेल्या होत्या। तरी एकासोबतच जी काही चौकशी केली त्या चौकशीमध्ये एकासोबतच झालेलं आहे असं माहीत आहे, बाकी तर काही आणखी निघालेलं नाही आहे। अंबाजरी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान अंबाजरी गार्डन के सामने से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 धारदार हथियार समेत अन्य चोरी का माल बरामद किया है। अंबाजरी गार्डन के सामने कुछ संदिग्ध घूम रहे थे, इसी बीच पेट्रोलिंग कर रही अंबाजरी पुलिस की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने उन 4 संदिग्धों से पूछताछ करने पर पुलिस का शक और गहराया। इसलिए पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो सामने आया कि सभी आरोपी चोरी करके आए हैं और पुलिस के हाथ न लगे इसीलिए सामान को अंबाजरी तालाब में फेंकने आए थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 धारदार हथियार और चोरी का मोबाइल, मॉनिटर, हार्ड डिस्क आदि सामान बरामद कर जब्त किया, साथ ही आगे की कार्रवाई की। महाराष्ट्र बंद के दौरान पेंडेमिक एक्ट अनुसार आंदोलनकर्ताओं पर पुलिस ने मामले दर्ज किए। महाआघाड़ी सरकार ने सोमवार को लखीमपुर घटना के विरोध में महाराष्ट्र बंद कर आंदोलन किया था। इस दौरान पेंडेमिक एक्ट का उल्लंघन किया गया। महाविकास आघाड़ी सरकार ने 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। इसी के तहत संपूर्ण महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने महाराष्ट्र बंद में चौक में जाकर केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन किया था। नागपुर के वैरायटी चौक में तीनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर रैली निकाली थी। इस आंदोलन में बड़े पैमाने में पेंडेमिक एक्ट का उल्लंघन करने का पुलिस के ध्यान में आया, इसलिए 100 से अधिक कार्यकर्ताओं पर नागपुर के बर्डी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने मामले दर्ज किए। ऐसी जानकारी बर्डी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस ने दी। काल महाराष्ट्र बंदच्या दृष्टीने व्हरायटी चौक येथे विविध पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते मंडळी एकत्र जमले होती आणि त्या ठिकाणी त्यांनी नारे निदर्शन करून मार्केटमध्ये फिरून दुकानदारांना बंद ठेवण्याबाबतची विनंती केलेली होती। याबाबत कार्यक्रम त्यांचा शांततेत पार पडला, कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही। याबाबतीत गैरकायद्याची मंडळी जमली, त्याचप्रमाणे पॅन्डेमिक सिच्युएशनचं आदेशाची अवहेलना केली, याबाबत आम्ही एक गुन्हा त्याच्यामध्ये दाखल केलेला आहे। याच्यामध्ये काही प्रमुख नेते, त्याचप्रमाणे 100 ते 150 कार्यकर्ते यांच्यावरती गुन्हा दाखल केलेला आहे व पुढील तपास चालू आहे। सांसद विकास महात्मे की मंगलवार को पत्र परिषद आयोजित की गई थी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की।
जिसमें भटके जनजाति को आरक्षण की बेहद जरूरत होने की भी बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की वजह से मराठा और ओबीसी आरक्षण गंवाना पड़ा। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बात करते हुए सांसद विकास महात्मे ने कहा कि राज्य सरकार ने राजश्री शाहू महाराज का नाम लेकर मराठा आरक्षण में घोल किया है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेकर ओबीसी आरक्षण से भी हाथ गंवाना पड़ा है और अब ऐसा ही कुछ विजय एंटी के साथ भी हो रहा है। उन्होंने विजय एंटी के आरक्षण को असंवैधानिक बताया है, जो सरासर गलत है। विजय एंटी को आरक्षण की बहुत जरूरत होने की भी बात उन्होंने कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार अपने शपथ पत्र में बदलाव नहीं लाती है तब तक उनके द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। आज इथे आपल्याला सगळ्यांना कल्पना है कि 29 तारखेला मागच्या महिन्यात सरकारनी जे ऍफिडेविट कोर्टामध्ये दिलेलं आहे कि एनटीच्या पदोन्नतीच्या बाबत हे असंवैधानिक आहे असं त्यांनी जे लिहिलेलं आहे त्याच्याबद्दल मी सांगतोय की या सरकारने नेहमीच राजर्षी शाहू महाराज यांचं नाव घेतलं, मराठ्याच्या आरक्षणात घोळ केला, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव घेतात आणि ओबीसीचं राजकीय आरक्षण आम्ही घालवून बसलो। तसंच भटक्या विमुक्त यांचं आरक्षण याविषयी सरकारने जे ॲफिडेविट दिलेलं आहे त्याच्यात हे असंवैधानिक आहे असं म्हटलेलं आहे। शपथपत्रात जर असं सरकार स्वतः म्हणत असेल तर मला असं वाटतं की बोलताना मोठ्या मोठ्या नेत्यांचे आरक्षणविषयकच्या याच्याबाबत नावं घ्यायचे, मुँह में राम बगल में छुरी असं म्हणून विजय एंटीच्या पाठी त्यांनी खंजीर खुपसलेला आहे। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की भटक्या विमुक्त जाती या अतिशय मागासलेल्या आहे, वंचित आहेत, साध्या शिक्षणापासून आज वंचित आहे, कारण हे भटकत राहतात। भटकल्यामुळे मुलांना कुठे शाळेत टाकणार? आत्ताच 701 मुलांच्या शाळा बाह्य नागपूरमध्ये आपण पाहिलं की ते आत्ता यात इतक्यात ॲडमिशन्स करून घेतल्या, त्या करून घ्याव्या लागल्या, अजूनही पूर्ण व्हायच्याच आहेत, अजूनही 501 मुलांच्या राहिलेल्या आहेत काही अजून। तर अशा कठीण परिस्थितीत असताना सुद्धा जर सरकार म्हणत असेल की पदोन्नतीतील आरक्षण हे कॉन्स्टिट्यूशन नाही आहे दे नाही आहे, तर मग सगळ्याच योजना कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये नाही आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे आणि हे शपथपत्रात लिहून दिलं। आजपर्यंत आपण शपथपत्रात कुठल्या तरी सरकारने असं लिहून दिल्याचं ऐकलं आहे का? दुसरं, ते जर सर्व असंवैधानिक असेल तर विजयंटी आरक्षणच असंवैधानिक आहे आणि हे ॲफिडेविटमध्ये लिहून देतात आहे, म्हणजे यांचं बोलणं यांचा खरा आपण ॲफिडेविटमध्ये नेहमीच आपल्याला। भाजपा द्वारा संजय गांधी निराधार श्रावण बाल्य योजना से लाभार्थियों को होने वाले अन्याय के विरोध में 22 अक्टूबर को मोर्चा निकाला जाएगा। गरीब और निराश्रित लाभार्थियों के मामलों को गलत बताकर उनका अनुदान बंद किया जा रहा है, ऐसा आरोप भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने पत्र परिषद में लगाया। राज्य सरकार के गरीब बेसहारा लाभार्थियों पर अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे संविधान चौक से कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। इस मोर्चे में हजारों वंचित लाभार्थी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान संजय गांधी निराधार व श्रावण बाल योजना के लाभार्थियों को अनुदान का आवंटन हो रहा था। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निराश्रित लाभार्थियों के लिए अनुदान राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी थी। संजय गांधी निराधार और श्रवण बाल योजना गरीबों, बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों, विकलांगों, पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों, तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं और तीसरे पक्ष को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में गरीब और निराश्रित व्यक्तियों को लाभान्वित कराना है, ऐसी जानकारी भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस अन्याय के कारण पिछले 5 से 6 वर्षों में नागपुर शहर में लगभग 50,000 गरीब जरूरतमंद लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। नियमित अनुदान राशि का वितरण महीनों से ठप है,
ये महाविकास आघाड़ी सरकार गरीबों और जरूरतमंद लाभार्थियों के खिलाफ साजिश करके उनके साथ अन्याय कर रही है। कोणतेही योग्य कारण नसताना ज्या गरजू लाभार्थ्यांना आपण अपात्र ठरवलं आहे, ज्यांचा आर्थिक सहाय्य आपण बंद केला ते तात्काळ सुरू करावं असं आम्ही विनंती केली आहे। हजारो पात्र लाभार्थ्यांनी थांबविण्यात आलेले थकीत अर्थसहाय्य सुरू करावे। गरीब गरजू लाभार्थ्यांना नियमित अनुदान व अर्थसहाय्य राशीचे वाटप व्हावे। प्रत्येक वर्षी एक नवीन अट आली आहे, प्रत्येक वर्षी उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र व रहिवासी दाखला सादर करण्याची अट नवीन आली आहे, ती तात्काळ रद्द करावी। संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना किमान भाजप सरकारनी माननीय देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारनी 1200 रुपये केले होते ते 1500 करावे अशी आमची विनंती आहे। और आमचा 6वा प्रश्न आहे, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य योजनेकरिता दारिद्र्य रेषे खालील असल्याचा दाखला देण्याची अट एक आली आहे, ही अट पण आपण शिथिल करावी। कारण एखाद्या घरचा कुटुंब प्रमुख गेला तर त्या घरावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो आणि श्रावणबाळ योजनेतलं किंवा संजय गांधी निराधार योजनेत त्याला 10,000 रुपये मिळण्याची पहिले सुविधा होती ती पण सुविधा सध्या बंद आहे। अशा 6 प्रमुख मागण्यांकरता हा आमचा मोर्चा आहे। बघतो चला एक ब्रेक का, मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य में निर्माण हुए बिजली संकट पर कहा कि यह नई बात नहीं है, इसे सरकार और महाजेनको के अधिकारियों ने मिलकर सुलझाना चाहिए, कंपनी ने व्यवस्थापन ठीक से करना चाहिए। राज्य में निर्माण हुए बिजली उत्पादन संकट पर राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह समस्या 100% हल हो सकती है, केवल महाजेनको ने व्यवस्थापन ठीक से करना चाहिए, लिफ्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए प्रशासन ने भी आंख में तेल डालकर काम करने की भी बात बावनकुले ने कही। साथ ही उन्होंने बताया कि इन सब का असर बिजली के दर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोल खरीदी की जरूरत अभी नहीं है, केवल सरकार को योग्य व्यवस्थापन करके काम करना होगा। कालात केंद्रीय कोल मंत्र्यांनी म्हटलं की आमच्याकडे संपूर्ण कोळशाचे मॅनेजमेंट आहे ते वाढवण्याकरता, कसं आहे कि आज जो आहे त्याचा अजून किती वाढता येईल, अजून किती खाणी काढता येईल, अजून किती, त्या नेहमी त्या रेग्युलर बैठकी आहे। या बैठकी आहे, अमित शाह साहेबांनी काही तातडीनं बैठक घेतली आणि आत्ता कोळसा नाही असं नाही, रेग्युलर बैठकी असे असतात की तातडीनं काही गृहखात्याचे प्रश्न असतात, WCL माईनमध्ये काही नवीन माईन्स असतात। आता महाजनकोला गले परमा नावाची केंद्र सरकारने माईन दिली, 3 वर्ष झाले मी सरकारमध्ये असताना एलवाजून क्लिअर केला, आज MDO काम बंद आहे, ॲक्विजनचं काम बंद आहे, स्वतःची माईन आहे 50 मेट्रिक टनची MMTची। महाजनकोला आमच्या सरकारच्या काळामध्ये मी मंत्री असताना पियुष गोयल साहेबांनी, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी स्वतःची माईन म्हणून दिली आहे, WCL MCLची गरज पडणार नाही आहे। गले परमाला रायगड जिल्ह्यात छत्तीसगडमध्ये माईन मिळाली आहे, त्या ठिकाणी तातडीनं ॲक्विजन करून माईन चालू करणे हे का होत नाही, याला प्रायोरिटी का नाही आहे, आपली स्वतःची माईन आहे ना, आणि यापेक्षा कमी रेटनी कोळसा पडणार आहे, आपली माईन चालू करा लवकर, 1 वर्षात 1.5 वर्षात आपली स्वतःची माईन चालू करा। केंद्र सरकारने स्पेसिफिक महाराष्ट्र सरकारला माईन दिली आहे गले पारमा रायगड जिल्ह्यामध्ये, त्याचा काहीच पुढा होत नाही, कुणाचाच पुढाकार नाही आहे, ॲक्विजन लवकर केलं पाहिजे, MDO नेमला गेला आहे, डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी
माइनिंग ऑपरेटर नेमला गेला आहे का चालू होत नाही आपली माइन, ती माइन चालू करा। तीन वर्षांत कोळसा आपल्याला पूर्ण आपला स्वतःचा महाजन कोता असणार आहे, त्याचा मॅनेजमेंट करा, आज मॅनेजमेंट करा, तीन वर्षाचं मॅनेजमेंट करा, पाच वर्षाचं मॅनेजमेंट करा। तुमच्याकडे गलेपालमा माइन दिली आहे, केंद्र सरकारने तुम्हाला तुमच्याकरता 50 वर्ष पुरेल एवढी माइन दिली आहे। केंद्र सरकारने 50 वर्ष कोळसा पुरेल एवढी माइन महाराष्ट्र सरकारला स्वतःची माइन दिली आहे, त्याचं मॅनेजमेंट करा। पण हे पहा की रडण्यात काही फायदा नाही, रडू नका, रडीचा गेम करू नका, काम करा, मिळवा कोळसा। राज्य लोड शेडिंग मुक्त ठेवणे सरकारची जबाबदारी आहे, आम्ही 5 वर्ष राज्य लोड शेडिंग मुक्त ठेवलं आहे, काही परिस्थिती आली तरी आम्ही निपटवलेली आहे, आणि त्यामुळे रडीचा गेम खेळू नका, चांगलं काम करा, एवढं सल्ला आहे सरकारला। नागपूर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने मेयो अस्पताल में शौचालय का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मरीजों के रिश्तेदार के लिए अस्पताल परिसर में शौचालय की आवश्यकता है, इसलिए कई दिनों से प्रलंबित पड़ा कार्य पूरा करने के आदेश दिए। शहर का इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल परिसर में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए शौचालय निर्माण किया जा रहा है। ये कार्य कई दिनों से प्रलंबित है, जिस कारण मरीजों के रिश्तेदारों को काफी परेशानी होती है, इसलिए शौचालय का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिए। इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल परिसर में मनपा द्वारा बनाए जा रहे शौचालय के कार्य का महापौर दयाशंकर तिवारी ने सोमवार को निरीक्षण किया। इस दौरान मेयो के अधिष्ठाता डॉक्टर भावना सोनव ने डॉक्टर सागर पांडे, कार्यकारी अभियंता अविनाश बाराहते, कार्यकारी अभियंता सोनाली चौहान, अजय गौर, ब्रजभूषण शुक्ला आदि उपस्थित थे। सीआरपीएफ की साइकिल रैली को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गढ़चिरौली से हरी झंडी दिखाई और साइकिल रैली को रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया गया था। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में सीआरपीएफ की तरफ से साइकिल महारैली का आयोजन किया गया, जिसे सीआरपीएफ डीआईजी ओप्स के कार्यालय एमआईडीसी गढ़ से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को सुबह 9 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए देश के विभिन्न शहरों ब्रह्मपुरी, उमरेट, नागपुर, करानिया, अमरावती, दरियापुर, अकोला, मलकापुर, भुसावल, चोपाड़ा, वरुल, कुकरमुंडा, डेडियापाड़ा से होते हुए 26 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर समाप्त होगी। इस साइकिल रैली में सीआरपीएफ के जवान एवं महिलाएं शामिल हैं, जो सभी देशवासियों को देशभक्ति के साथ साथ स्वस्थ जीवन के लिए जागरूक कर रहे हैं। मानस रंजन डीआईजी ऑप्स सीआरपीएफ गढ़चिरौली ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि इस साइकिल रैली में शामिल होने वाले सभी सीआरपीएफ के जवानों एवं महिलाओं का हौसला बढ़ाए और अपने क्षेत्र से साइकिल रैली गुजरने पर उन्हें सहयोग करें। सीआरपीएफ की एडीजी दक्षिण जोन के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया तथा सीआरपीएफ के इतिहास के बारे में अवगत कराया। इससे पहले सीआरपीएफ पश्चिम क्षेत्र के आईजी श्री रणदीप दत्ता पीएमजी ने राज्यपाल महोदय का अभिवादन किया तथा सीआरपीएफ के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की सराहना की। इस दौरान अधिकारी समेत बड़ी संख्या में जवान उपस्थित थे। नवदुर्गा उत्सव मंडल वाना डोंगरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कोविड टीकाकरण का आयोजन किया गया। दुर्गा पंडाल में आयोजित इस टीकाकरण शिविर का आने वाले श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में लाभ लिया। वाना डोंगरी के नवदुर्गा घट उत्सव मंडल द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के सहयोग से वाना डोंगरी के प्रभाग क्रमांक 7 में 11 और 12 अक्टूबर को कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का परिसर के वरिष्ठ नागरिक, महिला, युवकों ने बड़ी संख्या में लाभ लिया। इस शिविर में लक्ष्मण डाकले, नगर सेवक नारायण डाकले, लहूजी डाकले, रमेश जी मते, महुरे जी, शिवा काका, सेवक कवड़ू, सुधाकर कुंभरे आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों की मदद करने के लिए सरकार आगे पीछे सोच रही है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से नाराज होने की बात कही। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी का कहना है कि वे केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार से नाखुश है। प्रकृति ने किसानों की कमर तोड़ी है, ऐसे में राज्य व केंद्र सरकार ने किसानों की हर संभव मदद करनी चाहिए, लेकिन दोनों ही सरकार अपना ही मतलब साध रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का आक्रोश जल्द शांत नहीं होगा। जब तक किसानों को मदद नहीं मिलेगी, तब तक वे किसानों की आवाज को और बुलंद करने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने लखीमपुर में किसानों के साथ हुई हिंसा की निंदा करते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी बात कही। वहीं उन्होंने कई मुद्दों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को घेरा और अपनी बात रखी। राज्य सरकार ने पहिल्यांदा तातडीने विमा कंपन्यांना 25% जो का
ॲडव्हान्स देण्यासाठी आदेश द्यायला पाहिजेत, आणि आदेश देणार नसतील तर त्यांच्यावर सक्तीनं कारवाई केली पाहिजे. नुसतं सूचना नको आम्हाला, आम्हाला आदेश पाहिजेत. आणि त्यानंतर केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं मिळून शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान भरून दिलं पाहिजे. केंद्र सरकार याच्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही, कारण ही नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि नैसर्गिक आपत्तीला कारण वैश्विक तापमानवाढ हे आहे, आणि वैश्विक तापमानवाढीमध्ये केंद्र सरकार आपला हिस्सा किंवा आपली जबाबदारी नाकारू शकत नाही. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.